Former principal of the RJKR Medical College and Hospital has been sent to 8-day CBI custody a day after his arrest in connection with the alleged financial irregularities case at the state-run Medical College and Hospital. Sandeep Ghosh, along with others, has been sent to 8 days custody of the CBI. My colleague Renik Datta with us on the broadcast. Renik, take our viewers through the details. करप्शन विंग की तरफ से कल संदीप घोष और उसके साथ साथ और तीनों को गिरफ्तार किया गया था। टोटल चार लोगों को आज कोर्ट प्रोडक्शन किया गया था सीबीआई की तरफ से, और सीबीआई कोर्ट प्रोडक्शन के टाइम पर ये चारों को 10 दिन का सीबीआई का जो रिमांड वो रिमांड में देने का मांग सीबीआई की तरफ से किया गया था। सीबीआई की तरफ से इस प्रेजेंट में सीबीआई कहा था कोर्ट में कि ये जो संदीप घोष है, संदीप घोष के साथ ये जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का मामला है, इस मामले में बहुत दूर तक इसका कनेक्शन हो सकता है और इसको जांच करने की जरूरत है, और इसी वजह से संदीप घोष को पूछताछ करना चाह रहे हैं सीबीआई, और पूछताछ करने के लिए 10 दिन का टाइम चाहिए। मगर उसके बाद कोर्ट की तरफ से डिसीजन लिया गया कि 8 दिन का सीबीआई रिमांड का अप्रूवल कोर्ट की तरफ से दिया गया है, यानी 8 दिन तक संदीप घोष को सीबीआई का एंटी करप्शन विंग की तरफ से पूछताछ किया जाएगा। और ये पूरा मामले पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज का 2021 से लेकर 2023 साल तक जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का मामला है, उस मामले में और कौन कौन शामिल है और क्या क्या चीज हुआ था, किसके साथ संदीप घोष मिला हुआ है, ये पूरा जानने का कोशिश सीबीआई की तरफ से किया जाएगा। यानी सीबीआई की तरफ से आज कहा गया था कोर्ट में कि ये पूरा घटना के पीछे इस तरीके का जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हुआ था, इसके पीछे कोई रैकेट हो सकता है, वो रैकेट का ढूंढने का काम अभी सीबीआई की तरफ से किया जाएगा। और इसी वजह से ये चार लोग, यानी संदीप घोष, अफसर अली और उसके साथ और दो वेंडर जो है, ये चार लोगों को सीबीआई का हिरासत में लेकर वो लोग पूछताछ करना चाह रहे हैं, और इसी वजह से आज कोर्ट की तरफ से 8 दिन का जो सीबीआई कस्टडी, वो सीबीआई कस्टडी अप्रूव किया गया है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.